चैप्टर 12 के पहले हिस्से में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ और एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, जिसके अंदर हम गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सर्फेसिस के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करेंगे। दुनिया में सब मैटर एटम्स से मिलकर बनता है। एटम्स का क्या स्ट्रक्चर होता है? एक एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स छोटे तरीन पार्टिकल हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि अगर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के करीब लेके आया जाए तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह अगर ऑपोजिट चार्ज लाइक चार्जेस नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव को करीब लाया जाए तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। इन फोर्सेस को हम मिला के जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये एक बेसिक फोर्स ऑफ नेचर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरह। जिस तरह जमीन के गिर्द एक खास फील्ड होती है जिसके अंदर मौजूद वो सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसी तरह एक चार्ज के गिर्द एक खास फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसके अंदर उसका असर महसूस किया जा सकता है। यानी इस फील्ड के अंदर जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो इससे अट्रैक्ट होगा। Q1 एक चार्ज है नेगेटिव और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक और चार्ज आता है Q2 जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है क्योंकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इसको हम F12 कह देते हैं, जो Q2 को इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये ऑपोजिट चार्जेस हैं। इसी तरह Q1 भी Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में आया है और वो भी उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा जिसको हम F21 कह देते हैं। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक जितना होगा मगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी क्योंकि Q1 Q2 की तरफ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। कूलम्स लॉ हमें बताता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसके मुताबिक F12 बराबर होगा Q1, कूलम्स में Q1 के ऊपर कितना चार्ज है, मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइडेड बाय R2, और ये डायरेक्शन पोजिशन वैक्टर की डायरेक्शन होगी इस फोर्स की, और ये मल्टीप्लाई होगा कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी K से जो कि बराबर होता है 1/4πε0। फ्री स्पेस में एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर है के की, और ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं अगर हम फोर्स को न्यूटन, चार्जेस को कूलम्स और रेडियस को सॉरी डिस्टेंस को मीटर्स में लें। हम देख सकते हैं कि कूलम्स लॉ की शक्ल न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलती है। न्यूटन का लॉ था G m1 m2, दो मैसेस m1 m2 एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जर्ट करते हैं वो बराबर होता है इसके। सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैसेस के दरमियान था, उनके मास के ऊपर डिपेंड करता था। न्यूटन्स लॉ चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो चार्जेस के ऊपर और उनके दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस वॉज मेड बाय, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि बताना कि एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी है। तो जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें कूलम ने बताया कि इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ओवर R2 R डायरेक्शन में, तो ये हमें बताया कूलम ने। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इज गिवन बाय, तो हमने अभी देखा कि कूलम्स लॉ के मुताबिक के Q1 Q2 ओवर R2 R डायरेक्शन में होता है, ये इसका फॉर्मूला है। हम देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है। K टाइम्स Q1 Q2 ओवर R2 होना चाहिए, B ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, मैं बाकियों को देखती हूँ। D में K नीचे लिखा हुआ इसलिए ये गलत है, A में R को स्क्वायर नहीं किया हुआ, C में जो है वो K ऊपर होना चाहिए और R2 होना चाहिए, इसलिए B ऑप्शन मेरे पास ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसके अंदर अगर कोई और चार्ज आए तो उसको उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ चार्ज महसूस कर सकते हैं, कोई और मास या न्यूट्रल बॉडी अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगी तो उसको वो इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस नहीं होगा।
इसके बरक्स इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में क्या था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी मास को महसूस होता है, हम खुद भी एक मास है तो हमें खुद भी इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होते हैं, तो फोर्स हम फिर डायरेक्टली मेजर करते हैं न्यूटन्स के अंदर। मगर इस केस में जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट्स भी न्यूटन है, मगर हम उसको डायरेक्टली न्यूटन्स में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स सिर्फ एक चार्ज के रेफरेंस से नापा जा सकता है। इसलिए हम एक चार्ज इंट्रोड्यूस कराते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतना छोटा होता है कि ये जिस चार्ज को ये मेजर कर रहा है उसके ऊपर कोई खास फोर्स नहीं लगाता, बहुत कम फोर्स लगाता है, वो नेग्लिजिबल होता है, जबकि जो जिस चार्ज को ये मेजर कर रहा है वो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाता है। ऐसे चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें पता चले कि कितने न्यूटन फोर्स इस टेस्ट चार्ज को महसूस हो रहे हैं। तो हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं न्यूटन पर कूलम, यानी कितने न्यूटन, हम कहते हैं ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसका मिनिमम इसका चार्ज होगा, और फिर हम न्यूटन पर कूलम में बताते हैं कि फोर्स कितना है, सिर्फ न्यूटन्स में नहीं बताते। इस क्वांटिटी को फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और चूंकि हम टेस्ट चार्ज के रेफरेंस से सारी चीजें मेजर करें तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। और फिर फोर्स हमें पता है कि किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है के टाइम्स क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर, और आर की डायरेक्शन में। अब क्यू वन इसको कह देते हैं जिस चार्ज का मैं फोर्स मेजर करना चाह रही हूँ, और क्यू टू हमारा टेस्ट चार्ज है, इसकी जगह मैं क्यू नॉट लिख देती हूँ, और फोर्स पर यूनिट क्यू पर यूनिट टेस्ट चार्ज दोनों साइड्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो राइट हैंड साइड से क्यू नॉट हट जाएगा। अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है फोर्स पर यूनिट चार्ज वो सिर्फ और सिर्फ बराबर हो जाएगी के टाइम्स क्यू वन ओवर आर स्क्वायर आर की डायरेक्शन में, और इसके यूनिट होंगे न्यूटन पर कूलम। एक चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, चार्ज के करीब वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के बिल्कुल करीब रखूंगी तो वो टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स महसूस करेगा फोर्स पर यूनिट फोर्स पर सॉरी न्यूटन पर कूलम्स में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगी। फिर इसी टेस्ट चार्ज को मैं अगर उठा के दूर रख देती हूँ तो फिर उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा, और इसी तरह एक पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर इस चार्ज का फोर्स ही नहीं लगेगा, यानी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज होती है चार्ज के गिर्द, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम माइकल फैराडे था उसने कहा कि क्यों ना हम इस चार्ज को लाइन से रिप्रेजेंट करें। अगर हम टेस्ट चार्ज को मुख्तलिफ जगहों पे रख के देखें कि उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, और हर हर पॉइंट पे हम अगर ये करें तो फिर हमारे पास एक नक्शा सा आ जाएगा कि इस पॉइंट पे इतना फोर्स लग रहा था, इस पॉइंट पे इतना, और फिर हम उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि जहां पर ज्यादा फोर्स लग रहा था वहां पर लाइन्स एक दूसरे के करीब करीब होंगी, और जहां पर फोर्स कम था वहां पर वो उनका लाइन्स दूर दूर होंगे एक दूसरे से। ऐसी लाइन्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करी है। ये लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की एक वक्त में एक ही डायरेक्शन होती है। अगर एक पॉइंट है फील्ड के अंदर और उसके ऊपर एक मैं टेस्ट चार्ज रखूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसको दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फोर्स महसूस हो, इसको हमेशा सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करी होती हैं, तो वो डायरेक्शन हमेशा एक होगी, तो दो लाइनें कभी क्रॉस नहीं कर सकती। और दूसरा, जो लाइंस जितनी करीब होती हैं उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है, और जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती जाती कमजोर होती जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इन लाइंस की मदद से एक और क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें ये बताता है कि अगर इस फील्ड के अंदर एक एरिया हो तो उस किसी भी शेप का एरिया हो सकता है, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। इसके अब हम देखते हैं मैक्सिमम कब होगा फ्लक्स। अगर मेरे पास यू फील्ड लाइंस गुजर रही हो और मैं एक एरिया लूं और उसको इसके परपेंडिकुलर रख दूं, मगर हमें यह पता होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी असल में डायरेक्शन बाय डेफिनेशन उसके परपेंडिकुलर होती है, प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन जब एक ही है, यानी उनके बीच में एंगल जीरो है, तो हमारा फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसके बरक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक एरिया इस तरह रखें कि
कि एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो फ्लक्स मिनिमम है। हम देख सकते हैं कि इस केस में इस एरिया के अंदर से कोई फील्ड लाइन नहीं गुजरी, और इस केस में इस एरिया में से सारी फील्ड लाइन गुजरी हैं जितनी गुजर सकती हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि कितनी लाइंस गुजरी हैं एक एरिया में से, और इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट का मतलब है कि कॉस लेंगे हम इन दोनों फील्ड्स के दरमियान जो एंगल है उसका कॉस लेंगे। पहले केस में कॉस 0 होगा, दूसरे केस में कॉस 90 होगा। तो हमें पता है कि कॉस 0 पे 1 होता है और कॉस 90 पे 0 होता है। गॉसस लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके मुताबिक अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो, कोई भी क्लोज्ड एरिया हो, थ्री डायमेंशनल सरफेस है, और इसके अंदर चार्ज है क्यू, तो गॉसस लॉ हमें यह बताता है कि इस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स लाइंस इस एरिया में से या इस सरफेस में से गुजर रही होंगी, फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया होता है, वो बराबर होता है क्यू जो इस सरफेस के अंदर चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसस लॉ, और ये देखने में बहुत सिंपल है और हम सोचते हैं कि इसके क्या फ़ायदा होगा, मगर गॉसस लॉ की मदद से हम बहुत सारी मुख्तलिफ सर्फेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज कितना है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से कितना निकल रहा होगा, जो हम आने वाली स्लाइड में अभी देखेंगे। देखते हैं गॉसस लॉ की मदद से हम मुख्तलिफ सर्फेसिस के ऊपर चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मसलन क्लोज सर्फेस के ऊपर, एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, या फिर पैरेलल प्लेट्स के ऊपर। क्लोज सर्फेस, हम एक हॉलो क्लोज सर्फेस लेते हैं, या स्फीयर भी हो सकता है या कोई भी शेप हो सकती है। गॉसस लॉ हमें ये बताता है कि उस सर्फेस के अंदर जो चार्ज होता है उसको डिवाइड करें एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। इस केस में चूंकि हमारे पास अंदर चार्ज 0 है, ये क्यू 0 है, तो फिर हमारे पास फ्लक्स भी 0 होगा। इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि जब अगर खुदा न खास्ता गाड़ी के ऊपर बिजली गिर जाए, तो गाड़ी चूंकि कंडक्टर होती है तो सारा इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाता है और गाड़ी के अंदर कोई चार्ज नहीं आता। इसलिए अगर आप उस गाड़ी के अंदर हैं खुदा न खास्ता, तो आप कभी भी उसके सरफेस को हाथ न लगाएं, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस के ऊपर है। जब तक आप उसके अंदर रहेंगे आप महफूज रहेंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज अगर ना हो तो उसमें से चार्ज फ्लक्स लाइंस भी नहीं निकलती, क्योंकि वो चार्ज में से निकल रही होती हैं और चार्ज नहीं है हमारे पास सरफेस के अंदर। अब हम देखते हैं इन्फिनिट शीट। एक इन्फिनिट शीट है, इन्फिनिट का मतलब होता है चारों डायरेक्शंस में वो इन्फिनिट है, और उसके ऊपर चार्ज है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा है, और हम गॉसस लॉ की मदद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्लक्स बराबर होगा चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो ये इन्फिनिट शीट है, हमें उसका चार्ज नहीं पता, मगर हमें उसकी डेंसिटी पता हो सकती है। डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज की जगह हम डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्लक्स हमारे पास हो जाता है डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, और फ्लक्स हमें पता है ई डॉट ए होता है, ई और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हम एक ऐसा एरिया, हम एरिया कैसा इमेजिन कर रहे हैं, हम कहते हैं एक इसके अंदर से एक सिलेंडर गुजर रहा है दोनों साइड्स के ऊपर, तो उस सिलेंडर में से हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कितना फ्लक्स निकल रहा है। उस सिलेंडर के अंदर से एक ई इस तरफ निकल रहा है, एक ई दूसरी तरफ निकल रहा है, तो टोटल 2 times E है, और एरिया उसके परपेंडिकुलर है जो शीट है, तो ये हो जाएगा 2EA बराबर है एप्सिलॉन ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइड्स पे एरिया कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 times epsilon naught। तो हम देख सकते हैं कि हमने गॉसस लॉ की मदद से इन्फिनिट शीट के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इन्फिनिट शीट के ऊपर मैंने इसीलिए कैलकुलेट किया ताकि मुझे पैरेलल प्लेट्स करने में मदद दे, क्योंकि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर होती हैं, इन्फिनिट शीट तो हमारे पास नहीं होती। पैरेलल प्लेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम एरिया एक प्लेट के ऊपर एक एरिया लेते हैं ऐसा, इसको मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ, और इसके एक साइड पे चार्ज है, इसके दोनों साइड पे चार्ज नहीं है, इन्फिनिट शीट के दोनों साइड पे चार्ज था। तो इस केस में सब कुछ वैसा ही होगा, मगर इस स्टेप में आके सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 2 times EA नहीं होगा, ये वाला 2 नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डबल थी, दोनों साइड्स पे चार्ज थे इस शीट के। इस केस में शीट के सिर्फ एक साइड पे चार्ज है, तो फिर हम सिर्फ EA लिखते हैं, और ए ए से कट जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाती है सिग्मा टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इस एक शीट की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रू? इज रिपल्सिव इलेक्ट्रिक चार्जेस हैव द सेम चार्जेस? ये सच है। इन एन एटम द इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच वीकर फोर्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स?
ये सच नहीं है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एटम को तो इतना ज्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि उसका मास बहुत छोटा होता है. इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, सिर्फ डिस्टेंस नहीं होता. इलेक्ट्रिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इफ चार्जेस आर इक्वल. ये सच नहीं है, अगर चार्जेस इक्वल हों या ना हों, अगर वो ऑपोजिट हैं तो फिर अट्रैक्टिव होता है. तो ऑप्शन ए हमारा ठीक है. When we rub a glass rod with a silk cloth, then जब एक ग्लास रॉड के साथ एक सिल्क क्लॉथ को आप रब करते हैं तो ग्लास रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर चल जाते हैं. चूंकि ग्लास रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो इसलिए ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. ये वाला सिनेरियो इस केस में ठीक होता है. एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस, जब स्टैटिक होता है चार्ज तो उसके गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जब वो चार्ज मूव करता है तो हम देखेंगे उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, मगर जब चार्ज एट रेस्ट होता है तो उसके गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि उसमें लिखा है नीदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है. बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऐसा भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्टैटिक चार्ज के गिर्द.